कृत्यम द्योपायनो गृह कातर्याजो पुत्रेत तन्मयि तनियाभिनेदो सर्वभूत हृदयं मुनिमान्तोऽस्मि कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः मनोज मारुति तुल्य वेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं अतुलित बलधामं हेम सहलाबदेहं तनुज बनक सानुं ज्ञानी नामक सकल गुण निधानं वानराराम रघुपत प्रिभक्तं बात जातं नमः। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम जय जय नवल किशोर जय गोपी बल्लभ प्रभो तो जय जय नमो नमो बिंदेश्वरी नमो नमो जगदम्ब भक्ति जनन ही काजित माँ करती नहीं विलंब। बोली ब्रह्माणी मैया की सम्मानित भगवत प्रेमियों सम्मानित बुजुर्गो नौजवान साथी प्यारे प्यारे बच्चे माताएं बहन आज कथा का सप्तम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। ज्ञान गंगा की सातवीं धारा बहने जा रही है तो सर्वप्रथम आपके हृदय में बैठे राधा रानी भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी के सहयोग से एवं राधा मैया की मेहती कृपा से हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा से पथरी बाबा की विशेष दया से ब्रह्माणी मैया की कृपा से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ आपके सरसा गांव में चलते हुए सप्तम रोज प्रारंभ होने जा रहा है। आइए मन वाणी को पवित्र करते हुए एक भगवान का छोटा सा संकीर्तन उसके उपरांत भगवान की बड़ी विमल कथाएं हैं। सभी भक्तजन ताली बजा के और गुनगुनाते हुए बोलेंगे और एक बात बता दें जो कथाओं में ये हाथ ऊपर करवाते हैं ना कि एक बार हाथ ऊपर करके ताली बजाओ इसका क्या मतलब होता है जानते हो? इसका ये मतलब होता है जब मैया द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो मैया के सामने श्री राधे 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 तो ये कथाओं में जो हाथ ऊपर करने को कहते हैं इसका क्या मतलब होता है? जब मैया द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो पांचों पांडव बैठे हैं गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं आदि अनंत बलशाली सब देव बैठे हैं लेकिन जब किसी ने पुकार को नहीं सुना किसी ने लाज नहीं बचाई लाज की तो बात छोड़ो कोई सामने नहीं देख रहा है
सबकी गर्दन नीचे को झुकी है, तो मैया द्रौपदी ने पहले तो अपनी ताकत का प्रयोग किया, दोनों हाथों से उस वस्त्र को चीर को पकड़े हैं। जब मैया द्रौपदी की ताकत कमजोर पड़ गई तो फिर मैया ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए कि हे द्वारकाधीश, अब बचाओ तो बचाओ, नहीं तो मेरी लाज जा रही है। तो भगवान यही तो कहना चाहते हैं कि जब तक ये जीव दुनिया के सहारे रहेगा तब तक मैं इसकी दया नहीं करता हूँ, और जब ये भक्त, जब ये जीव दोनों हाथ ऊपर उठा के कह देता है कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, अब तो हम तुम्हारे सहारे हैं, तब भगवान अच्छा करते हैं। बस यही कारण है जो कथाओं में हाथ ऊपर करने को कहा जाता है। आइए एक बार मन बाड़ी को पवित्र करते हुए भगवान का कीर्तन, उसके उपरांत भगवान की विमल कथाएं हैं।